सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो बस यार, अभी उत्तर निकलने की तैयारी हो रही है। अभी तो टाइम हो रहा है 8 बज रहे, 8 बजे करीब हम लोग जो है उत्तर निकलते हैं पुलिस वाले की वजह से। तो बस यार, आप लोग से ये रिक्वेस्ट है, आप लोग इस व्लॉग को लाइक कर दो, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दो यार, और बेल आइकन जरूर दबा देना, एंड कमेंट्स भी करा करो गाइस यार। मैं जो है कम से कम बाद में थोड़े टाइम निकाल के जो है ना, मैं कमेंट सेक्शन ऑन कर देता हूँ। खैर अभी जस्ट मैं ऑन करता हूँ अपनी वीडियो का, तो मेरा अभी मैं फायदा नहीं, पहले वाले ब्लॉग का कर देता हूँ। आप लोग बस यार लाइक कर देना, चैनल को ना सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको मेरे सारे ब्लॉग्स का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो बस यार अभी चलते हैं उत्तर, और वीडियोस तो लूँगा मैं। एंड गाइस मुझे कमेंट्स करके बता देना कि मुझे उत्तर की से जाते हुए वीडियोस और आते हुए वीडियोस लेनी चाहिए या नहीं। एक बार प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना कि लेनी चाहिए या नहीं मुझे वीडियो। तो अभी निकलते हैं। तो बस गाइस अभी जब लोग निकल रहे हैं, बस रोड बहुत ज़्यादा ना, टर्न मोड़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। फिर अभी निकलते आप लोग लाइक कर देना। बस गए यार अभी उत्तर पहुँच गए, अभी सब जगह माल डिलीवर करते हैं। वैसे तो आज मैंने फुल ब्लॉग लिया है उत्तर तक का, अभी पूरा माल डिलीवर करते पहले। तो बस ये हमारी सबसे फेमस बेकरी यहाँ की, अकबर बेकरी। जो जो यहाँ पे आके पेटिस नहीं खाया यार, उसमें क्या कर रहे हो यार, जल्दी आओ यहाँ आके पेटिस खाओ यार, इतनी टेस्टी है क्या बोलने का। बस ये जो मैंने सारी जगह पर तो माल डिलीवर कर दिया है, एंड सॉरी जो मैंने ब्लॉग नहीं लिया है। बस यार अभी भी चाचा जो है पीछे से माल डाल के आ रहे हैं। माल यार गाइस अभी जो क्या हुआ ना, क्योंकि एंगर बेकरी का जो है चाचा को पेमेंट लेना था, तो वो जो है पीछे निकल गया। उन्होंने मुझे कह दिया कि तू आगे निकल जा, एंड मतलब अकेले राइड करने में थोड़ा नर्वस सा फील होता है ना। अभी तो जा रहे हैं ऑटो में, चाचा तो खैर पीछे निकल गए, और मैं ब्लॉग भी नहीं रहा, बस अभी थोड़े ही ले रहा हूँ, अभी सीधा आप लोग से गलत में मिलते हैं। ओके अभी चलते हैं, एंड अभी तक तो हम लोग नाश्ता भी नहीं किया, और आज मैं पेटिस भी नहीं खाई, तो पेटिस जो ले लिए, एंड शायद आज मम्मी डैडी जो है रात तक आएंगे ना, तो इसके लिए मुझे कुछ आइडिया नहीं है, आज रात तक आएंगे, कल रात तक। सो बस गाइस यार हमारी जो पेट पूजा भी हो चुकी है, तो बस यार अब जो है थोड़ी देर में जो हम लोग जाएंगे शॉप में, पूरा फैला हुआ है ना थोड़ा बहुत जो, यहाँ का तो गाइस ऐसे ही रहता है, यहाँ पे सब बिस्तर बिस्तर रहते हैं ना इसके। तो बस यार अभी थोड़ी देर में जो हम लोग निकलते हैं शॉप से, जो भी काम था गाइस हम लोगों का जो हो चुका है, खैर अभी एक्टिवा लेके जा रहे हैं, और पेट्रोल पेट्रोल भी हम लोग को थोड़ी देर बाद में भरवाएंगे। खैर अभी जो है पेट्रोल जितना काम वाम हो सके तो बाद में भरवाएंगे, अभी चलते हैं पहले शॉप में। तो बस गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं, तो जैसा भी है खैर अभी जो भी देखते हैं, अभी तो कुछ काम है नहीं। सो बस गाइस यार अभी घर पे, एंड सबसे पहले जो हम लोग खाना लेते हैं, एंड निकलते हैं घर पे, घर पे जाके कपड़े वपड़े भी धो ले। तू कम बोल लिया कर, मैं तेरे को भेज जाती से पूरा उतार दूंगा। हर ब्लॉग में होता ही है, एक डायलॉग के अलावा कुछ नहीं आता इसको। और ये भी उबे की फालतूगिरी कर रहे हैं। खैर अभी चलते हैं घर पे, एंड घर पे ही मिलते हैं। तो बस गाइस यार अभी हम लोग घर पर जो है आ चुके हैं, तो बस यार खाना वाना जो है अपन बर्तन में कर लेते हैं, अभी कपड़े भी धोने हैं, एंड रात को जो है मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं, तो मुझे जो है उनको पिकअप करने भी जाना है। आई मीन ऑटो से जो है मैं सोच रहा था जाने का, लेकिन चेक ना करें बीच में, तो बहुत गंदा वाला जो है हम लोग पकड़े जाएंगे,
आई मीन पकड़ लेंगे ना यार, तो बस फाइन वाइन का ही टेंशन रहेगा और कुछ नहीं है। तो बस यार अभी जैसा भी रात को तो हम लोग बोरे वाली ट्रेन से जाएंगे, तो थोड़ा बहुत जो मैं ब्लॉग भी लूँगा। खैर अभी जो फ़ोन की बैटरी भी लो है तो अभी लगा देते फ़ोन को चार्ज पर, एंड मिलते हैं शाम में। शाम में मेरे चाचा भी जो है मशीन ठीक करने वाले, आज के दिन भी जो है बहुत सारा काम है बहुत। अभी खैर मिलते हैं शाम में 5 बजे के, हम लोग से टाइम पर जा पाएंगे क्योंकि अभी जो है मैं कपड़े धो रहा हूँ, देख सकते हो इतना जो है अभी पूरा कपड़े ढूंढ रहा है, तो अभी मेरे को कुछ आइडिया नहीं है कब तक होगा, मैं ही धो रहा हूँ। तो आज रात को मम्मी पापा को भी लेने जाना है, एंड दुकान पर भी काफ़ी काम है ना, तो चाचा भी आज मशीन ठीक करने आने वाले। अभी कुछ आइडिया नहीं है क्या काम कैसे होगा, अभी जैसा भी हो अभी फटाफट जो मैं कपड़े धोने निकलता हूँ। वो सुबह गए थे, यहाँ जो है मेरे चाचा भी आ चुके हैं मशीन का काम करने, एंड अभी थोड़ी देर में जो है मेरी खाला भी आ रही है, तो मुझे बंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, खाला घर पे ही खाना बनाएंगे, तो हम लोग के पास थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम है जो हम लोग दुकान जाके पूरा का पूरा काम फिनिश कर सके। खैर चाचा जो आ गए काम में लगे अपना मशीन ठीक कर रहे, एंड जिस तरीके से मैंने आपको शायद बताया नहीं है, मेरे चाचा जो है मैकेनिक है, मशीन फ्रिज एंड एसी सब चीज़ें जो है मेरे चाचा ठीक करते हैं, तो उनका जो है मैं नंबर यहाँ दे दूँगा। तो आप चाहे तो अपना मीरा रोड के अंदर एंड थोड़े और जगहों पे जो है मतलब आसपास की जगहों पे आप बुला सकते हो आराम से। तो गाइस ये है कार्ड जिससे आप कॉल कर सकते हो, मशीन का काम ही चल रहा है। एक सेकेंड मशीन जो है गाइस ठीक हो चुकी है पूरी, सिर्फ 2 मिनट का काम है। तो गाइस मम्मी के कमरे में ये सब भी कर दिया है, एंड पर्दा भी लगा दिया कोई, एंड गाइस मैंने जो है कार्ड का ही फोटो दिया, तो कोई नहीं आप उस पर जाके कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे घर का जितना भी जो सामान वामान होता है ना, मतलब एसी फ्रिज एंड मशीन्स, गाइस सच बता रहा हूँ मेरे घर पे जो है मेरे पूरा चाचा ही करता है, हम किसी को नहीं बुलाते। एंड सिर्फ देखो आपके सामने 2 मिनट लगी, बस उन्होंने कुछ अपना जो भी सामान था वो सब सामान लगाया, बस हो गया, पूरी चमचमाती एकदम मस्त काम करते हैं। एंड हमारी जो ये वाली जो एसी है ना, ये वाली एसी अब्बा के रूम में, तो ये वाली एसी भी जो है मेरे चाचा वाचा ही ठीक करते हैं। एंड हम लोग का जो वो है फ्रिज वो भी मेरे चाचा ही करते हैं, एंड ये जो मशीन खड़ी थी तो आपके सामने अभी चाचा ने किया। सो इतना काम था गाइस, इतना सारा सामान था। अरे भाई तू तो पूरा पड़ाकू है, तो कुछ ये सब सामान था जो घर का भी आया है, तो बस अभी जो चलते थोड़ी देर में पापा को लेने। तो बस गाइस अभी जो है मैंने रूम देख सकते हो, हॉल जो है पूरा ये लाइट चालू कर दिया, एंड हमारा जो मैंने प्यारा सा एक छोटा सा लैंप जो बनाया था हमारा लैंप भी चालू हो चुका है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है रूम, मतलब एक्साइटमेंट हो रही है, थोड़ा अच्छा सा लग रहा है कि हम लोग पूरा का पूरा घर सजा के रखते हैं ताकि मम्मी पापा एंड खुश हो जाए। तो बस गाइस यार अभी जो टाइम हो चुका है 9:45 हो रहे हैं, एक सेकेंड मैं टाइम दिखा दूँ, 9:45 हो रहे, 48 हो गए। तो बस हाफिज़ जी जो है अभी बाहर पढ़ा रहे हैं, तो बस हाफिज़ जी जैसे ही पढ़ाते हैं तो हम लोग निकलते सीधे स्टेशन अब्बू को लेने के लिए। तो 11 बजे करीब की जो ट्रेन है, तो हम लोग जो है मीरा रोड स्टेशन से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे बोरेवली, एंड बोरेवली से जाके सीधा मेरी दीदी एंड सब लोगों को जो है ट्रेन में लेके आने वाले, तो अभी निकलते फटाफट एंड सीधा जो है मैं ट्रेन के अंदर का इशूज़ बहुत थोड़ा। तो बस गाइस अभी जो स्टेशन पे तो आ चुके, फिर यार देख सकते हो अच्छी तरीके से पूरी मार्केट लगी है, ये हमारा मीरा रोड स्टेशन। अभी चलते हैं टिकट विकेट ले लेते हैं। अभी जो है गाइस ट्रेन में चढ़ चुके, दूरी पे हूँ मैं काफ़ी। बस गए जब पापा आने वाले, के 10:32 हो गए, तो बस पापा का टिकट लेने जा रहे हैं हम लोग, मतलब लोकल ट्रेन से जो है मेरे बहन भाई लोग आएंगे ना, और पापा जो है ऑटो जाएंगे, तो हम लोग अभी फटाफट टिकट ले लेते। बस गए मम्मी पापा जो उतर चुके ट्रेन से, तो हम लोग जो है टिकट की भागम दौड़ी में जो है बिजी है, तो अभी चलते। खैर मम्मी पापा 7 पे और मैं 10 पे हूँ, 10 प्लेटफॉर्म, अभी चलते फटाफट मम्मी पापा के पास। तो गाइस अभी पता चला है कि पापा लोग ट्रेन में बैठ के निकल गए, हम लोग अकेले जाएंगे ट्रेन में। सो बस गाइस यार अभी जब हम लोग घर पर आ चुके, तो वही सेल्फी कैमरे से ही मैं व्लॉग ले रहा हूँ अपना। तो बस यार ये लोग दोनों भी अपना जो है खाना पीना खा रहे थे, तो खाना पीना खा के जो इन लोग को भी हो चुका है, एंड ये रहा उबैद आ चुके हैं। हाय गाइस। तो बस यार
आज का जो व्लॉग मैं इधर ही एंड कर रहा हूँ, तो बस यार आप लोग से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग लाइक कर देना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।